और बीच एक अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां आलमनगर क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हुआ है। मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। उन्नाव के रहने वाले थे ये तीनों मृतक। को बता दें आपको, हिमगिरी एक्सप्रेस से ये बड़ा हादसा हुआ है जहां मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। और ये जो तीनों युवक थे ये उन्नाव के रहने वाले थे। हिमगिरी एक्सप्रेस से बड़ा हादसा हुआ है। तो बता दें आपको एक बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आलमनगर क्रॉसिंग पर बड़ा हादसा हो गया है। बता दें आपको, मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। उन्नाव के रहने वाले थे ये तीनों मृतक। अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कैसे हादसा हुआ? ये पूरा दर्दनाक हादसा पेश आया है आलमनगर में, जहां पर ये तीनों युवक उन्नाव के रहने वाले हैं और शादी से लौट रहे थे जी। तब तक तेजी से ट्रेन गुजरी वहां से और इन लोगों ने फाटक संभवतः क्रॉस किया है और फाटक के नीचे से मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की थी। उसी बीच ट्रेन इतनी तेजी से गुजरी और ये लोग भी वहां पर मौजूद थे और बाइक निकालने की वजह से ये तीनों लोग बाइक निकाल रहे थे और उसी वक्त ट्रेन ने इनको टक्कर मारी है। मौके पर ही तीनों की मौत हो गई और उसके बाद जो पूरा जो क्रॉसिंग थी उसे रोक दिया गया। वहां से ट्रेन गुजरने के बाद बाइक भी इनकी उसी में ध्वस्त हो गई पूरी तरीके से और फिर वहां पर पुलिस ने आकर मौके पर तीनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब अभिषेक, सवाल यहां पर यह है कि उस फाटक पर क्या कोई मौजूद नहीं था? ये जो जानकारी मिल रही है कि फाटक पर मौजूद थे जो कर्मचारी थे, लेकिन फाटक बंद था और ये लोग फाटक क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। देर रात का, देर सुबह तड़के का ये पूरा हादसा हुआ है और जब ये लोग क्रॉस कर रहे थे उस वक्त वहां पर मौजूदगी की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही, लेकिन ये जरूर है कि नशे की हालत में भी बताया जा रहा है दो युवकों को। उन्होंने जबरन बाइक निकालने की कोशिश की और उसी में यह हादसा पेश आया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए।